हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो यार तुम लोग देख सकते हो स्कर्दू के अंदर जो है ना, आज हमारा सेकंड डे। ठीक है, देखो तुम्हारा भाई कितनी प्यारी जो है वो लॉन्ड्री में बैठा हुआ है। वो हमारा रूम है, तो बड़ा प्यारा एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। होटल सुमित नाम है इसका, लेकिन लगता है गेस्ट हाउस है। खैर, आज आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया आपके भाई, अकेले ने गाड़ी चलाई है। तो आज हम लोगों ने जाना था दिसई, लेकिन देव सही हम इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि पहले वहाँ पे 3 घंटे की खुद ड्राइव करनी पड़ेगी, फिर प्राडो या अपना ये जीप करवानी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमने ये सोचा कि थोका वाटरफॉल और सारफरंगा, ये तो हमने दो जगह जाने ही जाना है अभी। ठीक है, तो इसी के अंदर कवर कर लेंगे अपना पूरा दिन और वापस आके फिर स्कर्दू में रहेंगे एक रात। तो फिर निकलेंगे कल इंशाल्लाह दोबारा, लाहौर का सफ़र हमारा शुरू होगा क्योंकि 3 दिन चाहिए लाहौर जाने के लिए। मान वगैरह जो है वो रखते हैं। सबसे पहले जो है ना गाइस, अल्लाह का नाम लेते हैं, सीट बेल्ट वगैरह पहन लिया है। तो अब यहाँ से जो ना पेट्रोल देखो थोड़ा सा कम है, तो पेट्रोल शेट्रोल डलवाते हैं और यहाँ पे कटपाना डेजर्ट, तो वहाँ पे जाएंगे। पहले वहाँ पे चलते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर आगे हमने किधर जाना है, लेकिन सबसे पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। यार गाइस, तुम लोग देख सकते हो टंकी जो है वो हमारी फुल हो गई है 13,000 रुपये में। थोड़ा सा पेट्रोल था अभी। यार कोई 2 घंटे बाद ये पहाड़ियों शाड़ियों में से जंगल में से गुजर गुजर के हम लोग जो है ना मंथोका पहुंचने लगे हैं, सिर्फ के सिर्फ 5 मिनट बाद। अब उधर जाके देखते हैं कि कैसा व्यू है वहाँ का। यहाँ का तुम लोग चेक करो, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। फाइनली यार गाइज, माशाल्लाह से हम लोग जो है मंथोका वाटरफॉल पहुँच गए। तुम लोग चेक करो यार, कहाँ से पानी जो वो आ रहा है ज़बरदस्त। और अच्छा, ये पहला व्यू पॉइंट है जिधर मैंने इतने ज़्यादा लोग देखे हैं। तो उधर चलते हैं, थोड़ा हम भी ठंडे पानी को एंजॉय करते हैं। एक ब्रिज है, इसको क्रॉस करते हैं। थोका वाटरफॉल जो के डायरेक्ट आसमान से आ रही है, डायरेक्ट यार माशाल्लाह से मंथोका वाटरफॉल स्कर्दू के अंदर रिकमेंडेड है, लाजमी यहाँ पे आओ। बहुत ज़्यादा वाम आई हुई है यहाँ पे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे। यार बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, देखो ज़रा कि पानी इतना ठंडा है कि तुम लोग इसके अंदर 2 मिनट नहीं खड़े सकते, इतना ठंडा पानी है। खाने को तो बहुत दिल करता है, कच्चा कुच्चा भी पड़ा हुआ, लेकिन जो मेरी पैंट है ना ये बहुत ज़्यादा नैरो है, तो मैं बहुत ज़्यादा नैरो पहनता हूँ, तो वो उतारने में बड़ी मुश्किल हो गई। गाड़ी में तो मुझसे उतरेगी ही नहीं। खैर, इसके लिए एक शॉपर भी चाहिए। तो अब ये है कि मैं जो है वो नहीं नहा रहा क्योंकि फिर जो सारा गीला हो जाऊंगा, गाड़ी भी गीली हो जाएगी। तो खैर, यहाँ से चेक करते हैं इसको, थोड़ी देर जो है वो सामने जाके बैठते हैं, कुछ पीते हैं, खाते पीते हैं। यहाँ से तो सिर्फ पियेंगे, और खाना जो है ना आज हमने वो तुम लोगों को मैंने बता दिया, वो नीचे जाके बनाते हैं। थोखा से थोड़ा सा नीचे उतर गया ना वाटरफॉल, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा के ना अभी हम जा रहे हैं पीछे। यहाँ पे वही वाटरफॉल वाला जो पानी है ना वो इधर आ रहा है, साफ सुथरा पानी है। तो यहाँ पे हम बनाने लगे अब आलू वाले चावल। तो अपनी जो है अब हम चीज़ें निकालते हैं, सिलेंडर जो भी है हमारे पास, ठीक है, इसको आस्ता आस्ता लेके जाएंगे। ये निशानी पकड़, जितनी भी चीज़ें निकाल लो ताकि बार बार जो है वो हमारे चक्कर ना लगे। और बोतल ठंडा करने का हमारे पास वाहिद एक तरीका है, हमने बोतलें पकड़ ली हैं। हम लोग यहाँ पर कहीं पे एडजस्ट करते हैं अपनी बोतलें। वो वहाँ पे वाटरफॉल है, नीचे आके बनने लगी अब हमारी बिरयानी। तो यहाँ पे पत्थर शत्थर रख के ना अपनी बोतलें जो है वो फुल करते हैं चिल, तब तक हमारी बिरयानी भी बन जाएगी। लोग बोतलों को देख सकते हो हमने कैसा जो है वो एडजस्ट कर दिया है। ठीक होगा, पानी यार बहुत ठंडा यार, तुम लोग चेक करो, ये रब की कुदरत चेक करो। हाय 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 हाय, ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा, आपके पाँव सुन हो जाते हैं। और ये तुम लोग देखो आलू की कटिंग शुरू हो गई है, आलू वाले चावल बनने लगे हैं, पाँव तुम लोग देखो सुन हो गया, सुन जो है वो हमारा काम हो गया। ये देखो आगे अब जूस भी और आ गया, पानी वाली बोतल भी आ गई है, और आलू जो है वो हमारे बिल्कुल साफ सुथरे हैं। चेक करो यार, पानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मिर्चें मुर्चे प्याज जो है वो आधे कट चुके हैं, कढ़ाई जो है वो हमारी उस दिन की गंदी हो गई थी, तो अब ये धुलने लगी है। स्कॉच ब्रेड वगैरह भी हम लोग लेके आए थे साथ, तो थोड़ा सा और टाइम लगना, फिर हमारी मेकिंग शुरू हो जाएगी। यार लास्ट टाइम हमने ये कढ़ाई चढ़ाई धोई नहीं थी, तो अब जो है वो हमें धोनी पड़ी है,
रहा है बस। डाल दिया ठीक है। और ये बोरित लेक से ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, ये आज का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कमाल है। ऊपर पहाड़ है, नीचे चश्मा है, ज़बरदस्त। से हमारे जो चावल हैं वो दम पे लग गए हैं ठीक है। मैं अपने रेड बुल लेने के लिए गया था लेकिन वो मिल नहीं रही, पता नहीं किधर अंदर जो छुपकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी बोतलें तो तुम्हें पता ठंडी कर ली है, इतनी चिल हो गई है ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा यार रेड बुल भी अपनी ठंडी कर लेते हैं, लेकिन खैर वो मिल नहीं रही, पता नहीं किधर डिक्की में घुसी हुई है। तो अभी हम चावलों का टेस्ट लेते हैं और फिर निकलते हैं वापस कर दूँ। वो दम हो गया उसको तो मैं चीज़ें लेने आया हूँ अपनी, अब इनको जो है वो पीछे पीछे करते हैं। और ये हमारे पास पानी की बोतल है, इसको पहले ले लेते हैं। हाँ 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 ठंडी हो गई है। ओ शहजादा बन गया, अब इसको डालते हैं और खाते हैं स्पून से। बहुत मज़ेदार बनेगा। अब यह गैस और फरंगा जाते हुए हम लोग एक पुल के ऊपर से जा रहे हैं, चेक करो ठीक है। नीचे तुम लोग देखो दरिया ही दरिया। खैर ऊपर चलते हैं सरफरंगा डेजर्ट, इधर जो है वो सरफरंगा का डेजर्ट देखते हैं कि कैसा है भाई, मज़ा भी आता है या नहीं आता। रोड जो है वो माशाल्लाह ठीक है यार, ऊपर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हम सरफरंगा डेजर्ट पर आ गए, ठीक हो गया था। हवा जो है वो बड़ी कमाल किस्म की चल रही है ठीक है। वहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ ये है कि आप जीप ले सकते हो और वो जो बाइक राइड है तो अभी हर चीज़ जो है ना वो चला सकते हो स्टेप बाई स्टेप। तो वहाँ पे तुम लोग देखो जो है वो मिट्टी उल्टी है, कमाल है। मौसम जो है थोड़ा सा अच्छा है, मज़ा आ रहा है, घोड़ा छोड़ा भी है। राइड ले रही है तो क्या सीन है, कहते हैं 10 साल में और 10 साल में कि वो लाइक तुम लोग ये जो चड्डा सा देख रहे हो उसके पीछे थोड़ा सा या ज़्यादा दूर नहीं है। पागल है हम लोग हैं, फुद्दू लिखा है हमारे मुँह पे जो हम 10,000 रुपया दे रहे हैं। सेकंड शॉट आप देखते हैं ये मारता है कि नहीं। नहीं अगर ये हेड लगे तो, अगर हेड लगे तो मर गया ये वाला। स्कोप किधर करना था, ये दो ग्रीन के दरमियान रेड होना चाहिए और रेड ताने पे होना चाहिए और रेड ताने पे होना चाहिए। हाँ यही हो रहा था मेरे साथ भी। मैंने तो स्पेल उसमें मारे, एक मारी है बस उसे। एक तो मैं आ गए थे तो हम लोगों ने होटल जो है वो ले लिया ठीक है। इसका नाम है दी 5-स्टार होटल, ये तुम लोग देखो। रूम भी मैंने देख लिया, रूम भी जो है वो माशाल्लाह ठीक है अच्छा। तो अब जो है ना इनके एंट्रेंस वगैरह करवा लेते हैं, एंट्री रूम का विजिट करवाया तुम। ये है रूम, ठीक हो गया, रूम जो है वो अच्छा मिल गया यार। बाकी ये है कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी बालकनी भी दी गई है कि आप थोड़ा सा जो है ना वो व्यू वगैरह भी रात में इंजॉय करें। मैंने ना इनका मेन्यू देखा था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि रात के 9:30 बज गए। तो मेन्यू वगैरह देखा उसमें इतना कुछ खास नहीं था, तो सोचा क्यों ना बाहर जाके इस कर दूँ, मैं जाकर ही आता है तो बाहर जाके कुछ खा लें। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है शाहिद दीवान, वहाँ पे चलते हैं देखते हैं कि उनका खाना जो है वो कैसे है ना। वो मेरा माशाल्लाह बाहर से तो बड़े अच्छी लुक देता है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, चेक करो। किसी आवारी बुरी से कम नहीं है, लेकिन अंदर रूम जो है ना वो नॉर्मल है, लेकिन जिस रूम में हम रह रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रूम है भाई। ये नहीं है कि मैं इस कर दूँ वालों की तारीफ नहीं करता, रूम अच्छा है, पैसों के हिसाब से रूम बहुत अच्छा है। शाहिद दीवान हम लोग आगे, इनका रूफ तो होता है वो तुम लोग देखो, अभी छत पे जाना पड़ेगा, मैं पीछे गली में से एंट्रेंस है इनकी, तो चलो अभी फ़ौरन चलते हैं। एंट्रेंस तो यार वाह ही गंदी है, ऊपर कहाँ से जाना ये नहीं पता। चौथे फ्लोर पर जाना हमें पैदल ही, लिफ्ट लिफ्ट नहीं होती है। चलो चलते हैं आपका रास्ता, तो हम चढ़ेंगे सेकंड फ्लोर पे। इन एंट्रेंस आ गई है, थक गए यार ऊपर चढ़ते चढ़ते, बस हो गई है
चलो चले। वाव नाइस। अस्सलाम। अंदर से तो बहुत प्यारा बना हुआ है माशाल्लाह, बाहर से जितना गंदा है अंदर से इतना ही साफ है। बैठते हैं अंदर। अरे हमारे बहने शॉर्ट्स पहन लिए थे यार, पैंट में ना लेटा नहीं जाता। तो बैठते हैं स्कूल से, कमाल है, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। यार हमने ना इनका जो है वो बारबेक्यू प्लेटर मंगवा लिया, 20 से 25 मिनट का टाइम ले लिया। तो अब आते हैं फिर खा शा के, देखते हैं कि इनका प्लेटर कैसे। देख सकते हो माशाल्लाह से आ गया ज़बरदस्त। ओ हो हो हो, मेरे हिस्से में जो है ना वो सिर्फ यही आया। तो खाते हैं इसको, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। ठीक है ये इनका पुलाव है। जी माशाल्लाह से खाना खा लिया और बहुत मजे का खाना था। अब हम नीचे आ रहे हैं। और यार गाइस कल रात को ना मैच कर दूं, मैं घूम रहा था 10:30-11 बजे, लेकिन ना वहाँ पे हमें कोई भी मोमोज वाला नहीं मिला। लाहौर में जो मिलते हैं ना मोमोज, वो वाला नहीं हमें मिला। जो इनकी जो जुबान है ना उसमें उसको कहती है कि ममटू। तो अब हम ममटू खाने जा रहे हैं, पीछे गले में ही है अलमदार रोड पर। तो वो खाते हैं, वो चेक करते हैं कि वो किस तरह का है। ठीक है यार, अगर आपने यहाँ के जो फेमस जो इनका फूड है ना ममटू, अगर आपने वो खाने ना तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अलमदार चौक है यहाँ पे। ठीक है सामने HPL बैंक है और उसके सामने इनके है कराची बिरयानी एंड ममटू। तो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया, शुक्र है मिल गया आज, नहीं तो ये भी बंद करने लगा था कोई आधे घंटे बाद। तो अब हम जो है ना इसके ममटू ट्राई करते हैं। लाहौर में तो मैंने खाए हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो फेमस फूड है ना वो यही है ममटू। भाई जिनके ये जो है ना ममटू आ गए हैं, अब चेक करते हैं और खाते हैं। कमाल है यार, एक मैंने खाया गर्म गर्म, मज़ा आ गया। नहीं जैसे प्लेट बड़ी गर्म थी, इसलिए मैं आपको खाते हुए दिखा नहीं सका। ज़बरदस्त यार ये इनका ममटू है। ठीक है मैं आपको खाते हुए दिखाई देता हूँ। खार के यार हम लोग जो है अपने होटल में वापस आ गए। बाहर से चाय मिल नहीं रही थी तो इनको आके ऑर्डर दिया चाय का। चाय पियेंगे और फिर जाएंगे ऊपर और फिर सो जाएंगे। रात के 2 बज रहे हैं और करते हैं इतनी ठंडी आवाज़ आ रही है। यार ठीक है, तुम लोग रखो अपना ख्याल, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। आंटियों ने पापों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करो, और जो लोग देखते हैं उनके भाई को सपोर्ट करो। ठीक है टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।